सो ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में बात करूँ आज के सेकंड मैच के बारे में, जो कि सेकंड मैच हरियाणा बनाम और युम्बा के बीच होने वाला है, जो कि बेहद ही जरूरी होने वाला है यह मैच दोनों टीमों के लिए। वहीं अगर रिसेंटली मैचेस की बात की जाए तो युम्बा अपना पिछला मैच यहाँ पर जीत कर ही आ रही है, और हरियाणा की बात करो तो हरियाणा स्टीलर भी अपना पिछला मैच जीत कर आई है। तो दोनों टीमें अपना पिछला मैच जीत कर ही आ रही है और प्ले ऑफ्स के रेस में बनी है। तो आज का अगर कोई भी टीम इस मैच को जीतती है तो प्ले ऑफ्स में मतलब चांसेस रहने वाले हैं और भी ज़्यादा, और जो टीम हारती है वह प्लेऑफ से बाहर भी हो सकती है। तो इस वीडियो में बताते हैं कौन सी टीम इस मैच को जीत पाएगी, जो कि दोनों टीमें दावेदार हैं प्लेऑफ्स के लिए। अगर आज का मैच कोई भी जीतती है तो वह प्लेऑफ में मतलब जगह बनाने के काबिल रहने वाली है। तो इस वीडियो में देख लेते कौन सी टीम जीतेगी, कौन से गेम चेंजेस हो सकते हैं, फैंस वोट पर भी नज़र डालने वाले और पॉइंट्स टेबल पर भी नज़र डालने वाले। तो वीडियो तो मोस्ट होने वाली है, वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन लिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेड टू हेड की बात कर लेते, जो कि इस सीजन में एक ही मैच खेला गया इन दोनों टीमों के बीच, और वह मैच एक पॉइंट से युम्बा की टीम जीती थी। अगर वहीं अगर बात कर रहे हैं स्टाडी सेवन की युम्बा की, तो स्टाडी सेवन में हमें गुमान राहुल सेतपाल, उसके बाद यहाँ पर हरेंद्र आशीष, किरण मगर, रिंकू मोहित हमें देखने को मिल जाते हैं। जो कि अगर पिछले मैच की स्टाडी सेवन की बताया तो पिछले मैच में राहुल सेतपाल थे लेकिन किरण मगर नहीं थे। किरण मगर की जगह पर जय भगवान थे लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था। तो आज के मैच में किरण मगर भी नजर आ सकते हैं। जो कि अगर बात करें सुरेंद्र सिंह की, तो सुरेंद्र भी नजर आ सकते हैं। और अगर पिछले मैच की परफॉर्मेंस की बात की तो गुमान रेडिंग से अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 14 रेड पॉइंट हासिल करने में सफल रहते। राहुल सेतपाल ने एक टैकल किया था, हरेंद्र ने एक टैकल किया था, आशीष सपोर्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 13 रेड पॉइंट ला थे। तो पिछले मैच में दोनों रेडर अच्छा परफॉर्मेंस करके इस मैच को जिताए थे, और जय भगवान यहाँ पर किरण मगर की जगह पर जय भगवान थे, एक रेड पॉइंट किए थे। तो आज के मैच में किरण मगर भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद रिंकू की अगर बात कर रहे हैं तो रिंकू ने 5 टैकल किया था, उसके बाद मोहित ने 3 टैकल किया था। तो पिछले मैच में इनकी डिफेंस और रेडिंग यूनिट दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस की थी, जो कि रेडर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते नजर आए, जो कि गुमान आशीष बेहतरीन रेडर कॉम्बिनेशन अच्छा था और अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। वहीं अगर हरियाणा स्टील की बात करें तो हरियाणा स्टीलर भी अपना पिछला मैच जीत कर ही आ रही है, जो कि इनके स्टार रेडर मनजीत और मोहित नंदन, जयदीप, उसके बाद मीतू शर्मा, राकेश, अमीर हुसैन, बस्तमी, नितिन यहाँ पर स्टडी सेवन में थे पिछले मैच में, आज के मैच में भी रहने वाले हैं। हो सकता है कि अमीर हुसैन की जगह पर या नितिन रावल की जगह पर यहाँ पर जोगिंदर नरवाल भी नजर आ सकते हैं, नहीं तो यही स्टडी सेवन में देखने को मिलती है। जो कि अगर पिछले मैच की परफॉर्मेंस की बात की जाए, जहाँ पर मनजीत ने 10 रेड पॉइंट हासिल किया था, मोहित 1 टैकल किए थे, जयदीप ने 2 टैकल किया था, उसके बाद मीतू शर्मा 5 रेड पॉइंट करने में सफल रहे, 8 रेड पॉइंट करने में सफल रहते हैं, उसके बाद राकेश ने 2 रेड पॉइंट किया था, अमीर हुसैन ने बस्तम में 1 भी टैकल नहीं कर पाते हैं, हालांकि नितिन रावल ने 3 टैकल किया था। तो नितिन रावल आज के मैच में भी नज़र आने वाले हैं, जो कि पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। वहीं अगर बात की जाए कौन से गेम मतलब यहां पर देखा जाए कि मनजीत और मीतू शर्मा की कॉम्बिनेशन अच्छा देखने को मिला है, जोड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके बाद युम्बा की तरफ से गुमान और आशीष अच्छा परफॉर्मेंस कर, तो दोनों टीमों के मतलब रेडर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके बाद डिफेंस भी युम्बा की अच्छा कर रही है। वहीं अगर बात करें गेम चेंजेस कौन हो सकते हैं आज के मैच में, लगभग आज के मैच में गुमान अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और मैच को जिताने में अहम भूमिका इनकी होने वाली है, जो कि इस सीजन में 14 मैचेस खेले हैं जिसमें से 117 रेड पॉइंट करने में सफल है। तो आज की गेम चेंजेस हमें नजर आ सकते हैं गुमान सिंह। अगर पॉइंट्स टेबल की बात करते तो पॉइंट्स टेबल में आप देख सकते हैं युम्बा की टीम 8वें स्थान पर हमें नजर आती है 49 पॉइंट के साथ, और हरियाणा स्टील की 10वें स्थान पर नजर आती है 41 पॉइंट के साथ। जो कि हरियाणा की टीम जीतती है इस मैच को तो वहीं पर रहने वाली 10वें स्थान पर, अगर युम्बा की टीम इस मैच को जीतती है तो टॉप 6 में आएगी और 5वें स्थान पर चली जाएगी युम्बा की टीम। तो यहाँ पर युम्बा इस मैच को जीतना जरूर चाहेगी। वहीं अगर फैंस वोट पर नजर डाले, फैंस वोट में हरियाणा को 57% वोट मिला और युम्बा को 43% वोट मिला है, जो कि फैंस के हिसाब से यहाँ पर हरियाणा की टीम इस मैच को जीत पाएगी, युम्बा की टीम इस मैच को हारगी। हालांकि आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी, कमेंट में जरूर बताइए। अगर यहाँ पर युम्बा की रेडर और डिफेंस चलती है तो युम्बा की टीम भी इस मैच को जीत सकती है।